हेलो दोस्तों, मोस्ट वेलकम पंजाबी दे कोर लैक्चर दे विच। तां हैडिंग तुसी देख सकते हो की लिखी हुई है, पंजाबी सभ्याचार दे मुख लक्षण। उन्दा आपां करांगे पहला पार्ट, सभ्याचार एक प्रबंध वजों, ठीक है। जिहड़े मुख लक्षण है ये अपने कोले मोस्ट इंपोर्टेंट 7 या 8 पार्ट बन गए ने टोटल। करवाउण नूं तां आपां 3-4 वीडियो दे विच वी कंप्लीट करा दईए दो दो करके, पर नहीं, जे जिन्ना वधिया थोनू एक एक करके समझ आने वाला है, एक एक करके कंसैप्ट क्लीयर होने वाले है, उन्ना वधिया थोनू वह नहीं कि कट्ठ पा के इको चीज़ दे विच जल्दी जल्दी करा दिए तां जो असी कह दिए कि सिलेबस खत्म। नहीं, आपां करांगे आराम नाल पर वधिया ढंग नाल, कि हर एक बच्चे नू जिहड़ा नवा भी सीख रहा, नवा भी इस चीज़ दे विच एंटर कर रहा, उहनू प्रोपर वे नाल समझ आवे कि अपना चल की रहा, ठीक है। सभ्याचार तो सब नू पता कि अपना चल रहा पार्ट, घट्टो घट ज़्यादा नहीं तो सभ्याचार दे 3-4 वीडियो तो ऑलरेडी आपां बना चुके हैं। तो ये जिहड़ा मुख लक्षण है ये घट्टो घट ज़्यादा नहीं तो 7 तो 8 वीडियो के कंप्लीट होगा, कल्ला मुख लक्षण है जिहड़े, ठीक है। तो अज आपां पहला पार्ट करांगे उहदा एक प्रबंध वजों, तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। बस इन्ना कहना चाहूँगा कि थोड़े ज़्यादा तो ज़्यादा नहीं तो थ्यूरी दे वीडियो दे विच 15 मिनट ले जाएंगे, 15 तो 20 दे विच विच, ठीक है। ज़्यादा समा नहीं लिया जाऊगा, तो हर एक बच्चा ध्यान नाल थ्यूरी सुन ले, क्योंकि जे थ्यूरी जिहड़े बच्चे नूं आंदी होगी उही अगे MCQ दे आंसर दे पाऊगा। चलो आप शुरू करते हैं। लो, अपने को अज फस्ट है गया सभ्याचार के मुख लक्षणों में सभ्याचारिक प्रबंध वजों। तो प्रबंध अपने को होंगे, प्रबंध होंगे अपने को एक चीज़ को आप सीक्वेंस वाइज रख देना, ठीक है। थोनों मैं प्योर पंजाबी दे दस देना कि मान लो आप किसी फंक्शन करना, उन्हें की करना, आप प्रबंध करांगे पहला कि आपां नूं सब तो पहला की चाहिए। पहला आपां नूं की चाहिए, मान लो जे आप घर करना टेंट चाहिए, ठीक है, टेंट के नाल चेयर चाहिए, दरिया चाहिए, आप प्रबंध कर रहे हैं उस चीज़ का। क्लीयर हो रहा कि आपां नूं प्रबंध करके उन्होंने आप एक कह लो सीक्वेंस वाइज रख रहे हैं, उन्हों बना रहे हैं उनका सारा कुछ कि चाहिए, तो उन्होंने आप कहेंगे आप प्रबंध कर रहे हैं उस चीज़ का। तो एक कहना होर कहा जा सकता है कि हुण मान लो टेंट अपने को 3 रह गए, ठीक है, आपां चाहिए किन्ने सी 4 कुर्सियां, उस 3 टेंटा के अकॉर्डिंग मंगा लिया आप 40, तो फिर जो 4 टेंट हो गए तो कुर्सियां भी की है वध जाणगियां। तो इहदे विच की है प्रबंध दे विच, ठीक है, जे चीज़ां नूं आपां रख भी सकते हैं लाइनवार, जे एक दे विच चेंजेस करांगे तो सारयां दे विच चेंजेस आणगियां, थोड़ियां थोड़ियां आउण भलां दी, ठीक है। भलां दी एक चीज़ विच चेंजेस आवे, भलां दी 100 दे विच आवे, पर चेंजेस जरूर आणगियां जे आपां किसी चीज़ का प्रबंध कर रहे हैं। ये नहीं कि एक दे विच चेंजेस आऊ तो दूजियां दे विच नहीं आणगियां। तो चलो हुण आपां सभ्याचार वल चलदे हां, जे सभ्याचार दे विच की है अपने कोले, बस थोनों मैं समझाता तो किसी बच्चे औखा नहीं आने वाला, जे जिन्हें मेरे थोड़ा जहा पॉइंट समझ लिया कि इन है कि सभ्याचार, क्योंकि मानव समूह राही सह सुभावे रूप में एक सिरज्या होया जगत है, ठीक है। जिहड़ा सभ्याचार है वह सह सुभावे मानव राही सिरज्या होया, इन्दे विच की है, इसलिए इसकी पहली मुख्य विशेषता की है कि इनका प्रबंध होना, ठीक है। इन प्रबंध होने एक मुख्य विशेषता है, किवें वो आप अगे गल करते हैं। सभ्याचार एक अजिहा प्रबंध है जिसकी समुची बनतर दे इस विभिन्न अंगा पक्षा अते रूपां दे विशेष पैटर्न दे निश्चित समुच तो बनती है। प्रबंध इहदा बनदा कदे तों, जिवें मैं तुहानूं हुणे दस के डिया, तां इहदा प्रबंध कदे तों बनूगा अपना, इहदा प्रबंध अपने कोले बनदा है अंगा तों, इहदे अंग आ गए, ठीक है, वक्रे वक्रे अंग आ गए, फिर इहदे पक्ष आ गए, फिर इहदे रूप, सभ्याचार दे रूप। आपां हर एक चीज़ करांगे, बेफिक्र हो जाओ, अगे अगे करांगे, पर मैं थोनों पहला भी कहा कि इन्दे वास्ते आपां नूं 15 वीडियो घट्टो घट चाहिए, घट्टो घट 15 वीडियो, तो हजे अपनी 3-4 ही हुई हैं, तो आई थिंक 20 तो 25 वीडियो भी बन सकदियां जे तुसीं डीपली सभ्याचार समझना। तो हुण आपां अगों की करना, इन्दे विच एक पैटर्न हुंदा जिहड़ा हरेक प्रबंध नूं चलाउंदा, ठीक है। पैटर्न का मतलब की हुंदा अपने कोले कि जे मान लो ए पॉइंट है तो बी तक पहुँचेगा, फिर सी तक पहुँचेगा, ये नहीं कि पहला ए तो सी ते जाऊगा, सी तो बी ते वापस आऊगा, बी तो फिर ए ते जाऊ, नहीं, वो पैटर्न वाइज चलूगा। एक पैटर्न रख्या होया सभ्याचार दे विच, भला दी वो सहज वाके बनाया गया जगत है, पर फिर भी उन दे विच एक पैटर्न मिलेगा कि किवें आपां उन दे विच बदलाव भी कर सकते हैं, परिवर्तन भी कर सकते हैं, ठीक है, उन्हों किवें आपां चेंज कर सकते हैं। हर एक चीज़ उन दे विच रखी गई है कि जे उन दे विच चेंज भी किया जाए तो उनका नुकसान ना होवे, जिहड़ियां पुरानियां चीज़ां, हर एक चीज़ नूं आपां उवें कह लो कि सीक्वेंस वाइज लाया होया उन्होंने। नैक्सट चलते हैं आप, देखो ये सारे अंग पक्ष, ठीक है, अते रूप विशेष निश्चित अते पछाणयोग समान होद विच इस तरह संगठित होंदे है कि एक निरंतर बदलदा, ठीक है, संजीव स्वरूप रखते हैं। हुणे मैं तुहानूं दस के हटिया कि इस हिसाब नाल रखे होंदे है कि बदलदा, निरंतर बदलदा संजीव स्वरूप
रखते हैं। ठीक है, मतलब की है निरंतर बदलन वाला ये संजीव स्वरूप रखते हैं, मतलब ये संजीवों के काउंट होगा क्योंकि ये अपने आप दे विच एक ओ चीज़ है जिहड़ी एक पूरे समूह नूं जोड़ के रखती है। ठीक है, जे सभ्याचारी ना होवे तां जिहड़े कह लो जा अपने जिहड़ी होंद है, ठीक है, जे पंजाब दा सभ्याचार नहीं हैगा तां पंजाबियों की होंद काउंट नहीं की जाऊगी क्योंकि अपना एक सभ्याचारी है नहीं गा कि आपां किंदे विच आउने आ, किहड़े समूह दे विच आउने आ। ठीक है, इसलिए इहनूं की कहा जांदा है, संजीव स्वरूप रखता अपने आप विच, निर्जीव नहीं संजीव स्वरूप। ठीक है, इस सर निर्जीव नहीं रखता, ये रखता अपने को संजीव स्वरूप। क्यों थोनू मैं रीज़न ये दसता, क्योंकि अपने आप के नाल एक समूह जोड़ के रखी बैठा बहुत वड्डे पद्धर ते। चलो नैक्सट चलते अपन, इस प्रबंध विच सभ्याचारक संस्थावां पैटर्न कीमतां प्रतिमान आदि एक विशेष बंतर बुनती विच सिरजे गए हुंदे हन। सभ्याचार विच की है कि संस्थावां हो गईआं, संस्थावां अपने समूह दे विच जिहड़ा हर एक चीज़ आउंदी है। ठीक है, उन संस्थावां हो गईआं, एक पैटर्न जिहड़ा तुहानूं हुणे दस के हटिआ, कीमतां अपनीआं कदरां कीमतां जिन्हां नूं कह दिंदे आपां प्रतिमान हो गया, यह विशेष बंतर विच एक रखे गए है सिरजे गए है। ठीक है, किंदे विच सभ्याचारक विच, इस प्रबंध विच की है ये सारीआं चीज़ां सिरज के रखीआं गईआं, सरोज के जिन्हों आप कह दें उन्होंने रख्या गया हर एक चीज़ में, जिंदे अपने को मैं दोबारा फिर रिपीट कर दिना, सभ्याचारक संस्थावां आ गई। ठीक है, कि किड़िया के अंडर काम कर दी, प्रबंध में गल कर रहे हैं बस सभ्याचार के, सभ्याचार के प्रबंध में की आ रहा, सभ्याचारक संस्थावां पैटर्न कीमत प्रतिमान ये सारिया विशेष बंतर रखिया गई। नैक्सट अपने को सभ्याचार के एक प्रबंध होने का अर्थ यह भी है कि यह प्रबंध होने का एक अर्थ यह भी है कि इसकी अपने आप विच एक निश्चित होद है। ठीक है, अते नियम है इंदे विच की है कि यह नहीं कि पंजाबी आए, ठीक है, तो यह मानते हैं कि पंजाबियों का सभ्याचार भी आया, पर यह भी अपने आप दे विच एक निश्चित होंद रखता। ठीक है, कि होंद रखने का मतलब यह की है, थोनू मैं एग्जाम्पल भी दे देना छोटी जी, कि जिवें हुण आपां मान लो कितें बाहर जाने, ठीक है, जे मान लो तुसीं दिल्ली वाली साइड गए हो तो अपना की है कि वह कहणगे कि पंजाबी आ गए, तो जे आपां की है हुण अपनी काउंट होगी कि आपां पंजाबी आ गए, आपां समूह दे विच काउंट हो गए। ठीक है, कि अपनी एक होंद उत्थे रीप्रजेंट होगी कि आपां पंजाबी हाँ। हुण देखो जे आपां उत्थे की है तरिंजरा चल रही हैं, ठीक है, वह की है पंजाबी सभ्याचार का एक हिस्सा है, तो उत्थे यह नहीं कि समूह वजों काउंट किया जाऊगा, वह देखा जाऊ कि सभ्याचार है, पंजाबियों का सभ्याचार है, तो इत्थे यह मतलब सिद्ध हुंदा है कि जिहड़ा पंजाबी सभ्याचार है, ठीक है, वह प्रबंध होने के नाल नाल की है, ठीक है, वह प्रबंध के नाल नाल की है अपने आप में एक निश्चित होंद रखता। दे हुण मैं तुहानूं एग्जाम्पल देती कि जे पंजाबी चला गया वह कहणगे पंजाबी आ गया, जे उत्थे तरिंजना चल रही कहणगे पंजाबियों का सभ्याचार है। ठीक है, उत्थे गल की जाऊगी कि सभ्याचार की होद की, वह अपने आप में होद रख रहा, ना कि अपने पंजाबियों को जोड़ के सिर्फ अपने आप होद रखी है उन्हें कि पंजाबियों का सभ्याचार है। अते नियम भी हैं, कुछ नियम यह है कि इन्दे विच किहड़ियां किहड़ियां चीज़ां किवें किवें काम करनगियां, जिवें अपने त्यौहारां दे विच लिया लिया जांदा, ठीक है, गीतां दे विच आ गया, वह सारे नियम बंद है, उन्हां नूं ये नहीं कि जिंदा जी करदा लाइना चेंज कर दो जिन्ना जी करदा, नहीं, जे वह लिखिया गया जिस हिसाब नाल उस हिसाब नाल ही उहदे नियम अकॉर्डिंग ही चलेगा। नैक्सट चलते आपां, जिहड़े इस दी होंद विधि अते विकास प्रक्रिया का एक विधिबद्ध स्वरूप बनाउंदे आ। हुण आपां उत्थे अगे गल कर रहे हैं कि प्रबंध होने का एक अर्थ यह है कि अपने आप में एक निश्चित होंद रखता, तो जिहड़े की करते हैं इहदी विधि अते विकास प्रक्रिया का एक विधिबद्ध की हुंदा, एक विधि के अकॉर्डिंग चल रहा, ठीक है, नियमों के अकॉर्डिंग चल रहा, एक स्वरूप बनाते हैं। क्लीयर हो रहा सारिआं नूं? देखो हजे छोटा अपने एक ही टॉपिक है, पहला टॉपिक है प्रबंध वाला, तो किन्ने वधिया वे नाल चल रहा अपना देख लो, तो थ्यूरी तो भज्जिया ना करो, समझ लिया करो, 15-20 मिनट ज़्यादा नहीं होंगे गे। नैक्सट चलते हैं अपन, देखो मैं स्क्रीन जूम कर दिना ता जो थोनू पूरी चंगी तरह देख सके। लो, इस दे सारे अंगा पक्षा रूपां की एक संतुलित अवस्था की इसकी सधारण स्थिति की सूचक है। देखो इन्हें की गल की गई है, इस दे सारे अंगा पक्षा की रूपां की, ठीक है, जिहड़ी एक संतुलित अवस्था है उनकी की है सधारण स्थिति की सूचक है। सधारण स्थिति की किवें कि नॉर्मली विच आते हैं, सधारण दे विच अपने कोल की आंदा जिन्हों आप कह दें नॉर्मली यूज किया जाता, ठीक है, सधारण स्थिति है अपनी, वह सारिया कि ऐड होंगे अंगा अंग भी अपने सधारण स्थिति आते, सभ्याचार के पक्ष भी रूप भी एक ही, पर संतुलित अवस्था
कि उनका एक संतुलित अवस्था किवें कह सकते हैं आपां, जिवें आपां भोजन की गल करते हैं जिंदे च सारे पौष्टिक तत्व मौजूद होंदे उहनूं कहिंदे संतुलित भोजन। उवें की है जिहड़े सभ्याचार दे विच सारे अंग पक्ष रूप होंदे सीक्वेंस वाइज रखे जान, प्रबंध उहनां दा कीता जावे, विधि रूप विच रखे जान, ठीक है, उहनूं आपां कहांगे संतुलित अवस्था। पर उह की है, इहदी सधारण स्थिति है, ठीक है, समझ लग रही है सारिआं नूं कि इहदे सारे अंग जदों इहनूं इकट्ठे करके रखे जांदे आ उह संतुलित अवस्था विच आउंदे आ, पर वो आम स्थिति विच पंजाबी दे सभ्याचार विच मन्नी जांदी है। नैक्सट अपने कोले किसी भी एक अंग पक्ष या रूप विच आया परिवर्तन समुचे सभ्याचार प्रबंध विच विशेष प्रकार दा परिवर्तन लिआउंदा। मैं तुहानूं जमां स्टार्टिंग च दस्सिआ सी प्रबंध दे नाल ही कि जे कोई चीज़ विच हुण जिवें टेंट अपने कोले वध गए तां उहदे विच की है टेंट दे थल्ले रखण वास्ते जगह वास्ते दर्जी अपने कोले की है दरियां भी चाहीदियां होणगीआं। नैक्सट की अपने कोले दरियां उत्ते रखण नूं कुर्सियां भी चाहीदियां होणगीआं, उह सिर्फ एक टेंट नाल फर्क पाऊगा, ठीक है। तो उवें इहदे विच की है जे अंग विच या इहदे किसी भी चीज़ दे विच बदलाव आंदा है तां किते ना किते बाकी अंगां नूं भी उह अफेक्ट करेगा, भला दी उह 0.3% क्यों ना करे, जरूरी नहीं हुंदा कि 5% करे, 10% करे, 20% करे, उह भला दी पॉइंटां दे विच इफेक्ट करे, पर उह करेगा जरूर। हुण इहदे विच एक मोस्ट इंपोर्टेंट जिहड़ी लैके आउंदी है तुहाडे लई परिभाषा कह लो विलियम एफ ओगबर्न दी, उहदे अनुसार की है ध्यान नाल समझ लियो। पर एक चीज़ उह तुहानूं मैं दस दिंदा कि जिवें एक कोई परिभाषा दिंदा तां जिहड़े उह दूजे मनोविज्ञान भाषा विज्ञानी हैगे है वह किते ना किते तर्क कढ़ के उहदी गलत कर दिंदे है। इत्थे भी उही चीज़ इत्थे कीती जाऊगी पर वह अगे पढ़ांगे आपां, पर वह किते ना किते सही भी अपने अकॉर्डिंग रखणगे। चलो नैक्सट चलदे हां आपां विलियम एफ ओगबर्न दे अनुसार जिहड़ा सभ्याचार दे सारे अंग एक जंजीर दीआं कड़ियां वांग सदा ढंग नाल आपस विच संबंधित नहीं हुंदे, ठीक है। जंजीर दा मतलब इत्थे गल कीती गई है कि जंजीर वजो बन्ने नहीं हुंदे, जे मान लो एक है, दो है, तीन है, चार है, ये जंजीर दे विच नहीं रखे गए कि ये सदा ही ऐ रहणगे, ये हमेशा परिवर्तनशील रहणगे। जे जंजीर दे विच रखे जांदे तां उहनां ने कदे बदलाव नहीं करना सीगा, उहनां ने उत्थे दे उत्थे ही खड़े रहना सी। उन्हें कहा कि यह जंजीर वजों नहीं संबंधित रखे जाते, सगों एक मशीन के पुरजा वाग चंकी तरह आपस में जुड़े होंगे है, जदों की एक अंग या पुरजा बदलिया जाता है तो दूसरे पुरजे भी अपने आप या घट प्रभावित होंगे है। उन्होंने यह कहा कि मशीन के तौर पर गल की गई है, इतने हम सुन लो कि जो पेपर के प्रश्न आया तो वो एड्डी वड्डी परिभाषा नहीं लिखणगे, ठीक है, वह सिर्फ लिखणगे कि किहड़े भाषा विज्ञानी ने, ठीक है, किहड़े भाषा विज्ञानी ने मशीन दे पुरजियां वांग सभ्याचार दा जिहड़ा कह लो उन्हें व्याख्या की है, मशीन दे पुरजियां वांग उन्हें व्याख्या की है, तो उत्थे आपां नाम लिखावांगे विलियम एफ ओगबर्न ने। थोनू मैं जमां शोर्ट करके दसता, एदू शोर्ट करके नहीं थोनू मिलना, एक लाइन दे विच थोनू दसता कि एम सी क्यू किवें बनूगा इहदा। तां हुण अगे चलदे आपां, देखो हुण विलियम ने तां कहता सभ्याचार दे अंगां नूं मशीन वजों, पर अगों की है कि समान दस के मनु उन्हें की किया मनुखी जीवन अते नाल ही सभ्याचार दे निरंतर गतिशील जीवंत रूप स्वरूप नज़रअंदाज करता, किवें उन्हें की है जिहड़ा अपना मनुखी जीवन चलता आ रहा नाल ही सभ्याचार दे निरंतर गतिशील जीवंत स्वरूप चलते आ रहे हैं, उन्हें नज़रअंदाज करते कि इहदे विच हमेशा परिवर्तन नहीं हुंदा, इह किते ना किते स्थिर भी मन्निया जांदा, ठीक है। उन्हां दा कहण दा मतलब यह है कि उन्हें नज़रअंदाज करता, पर की है मशीन दे पुरजे भावें विशेष क्रियाशील ढंग नाल आपस में जुड़े होंदे आ, पर यह संबंध मकैनिकी है, ठीक है। मकैनिकी किवें है वह भी एक कह लो सीकुएंस वाइज जोड़िया गया, ना कि वह रियल लाइफ के नाल रिलेट कर रहा, क्लीयर हो रहा सारिआं नूं किवें कह रहे हैं आपां। वह मकैनिकी वजो यूज़ किया जाता मशीन का जिहड़ा अपने कोल परिभाषा है, पर वह ऐ नहीं कह सकते कि रियल लाइफ के नाल रिलेट की हुई है। नैक्सट चलते आप, एक पुरजे का बदलिया जाना संभव है अते मशीन उसे ढंग नाल काम करती रह सकती है। देखो हुण इत्थे गल कीती गई है कि मशीन दे विच की है उन्होंने मशीन का जिहड़ा सभ्याचार नाल कनैक्शन दिखाता, पर की है वह कहिंदे जे मशीन दे विच आपां एक पुरजा भी बदल दांगे, ठीक है, पर फिर भी वह मशीन की है निरंतर चलती रहूगा, उहदे विच कोई बदलाव नहीं आऊगा। मशीन की आपां एग्जाम्पल भी लै लैने आपां एक, हुण जे मान लो होर अपना की है बाइक का बिल्कुल छोटी एग्जाम्पल लाऊंगा जिहड़ी आपां नॉर्मल यूज़ की होनी है, बॉयज़ नहीं तो स्पैशली बाइक का आप हूँ की है छोटा होरन लग्या होया, वड्डा होरन लवाता, बाकी पुरजे कोई बदलाव नहीं आया, ना तो आप इंजन में कोई बदलाव आया, ना ही उन्हें कोई कह लो किसी भी चीज़ के ना टायर कोई बदलाव आया, ना चलन उनकी गति दे कोई बदलाव आया, सिर्फ आप होरन चेंज किया, कितने ना कितने उन्हें कोई बदलाव नहीं आया मशीनरी के उत्थी। यह गल की गई है कि मशीन उस ढंग काम करती रह सकती है,
मतलब वो जब बाइक चल रहा तो जो होरन चेंज करना ले तो है नहीं कि पुट्ठा चलन लग जूगा, उन्हें सीधा ही चलना है जिमें उनके सारे पुर्जे लगे उन्हें उवें ही वर्क करना है। चैन सीधी चल रही है, चैन सीधी चलूगी, उनके है नहीं होरन लगाने उनकी ग्लीस घट जूगी, उन्हें उवें ही सारा चलना है। क्लीयर हो रहा? मैं छोटी जी एग्जाम्पल ना थोड़ा क्लीयर आउट कराता। नैक्सट है जदों की सभ्याचार का एक अंग अपने आप में बदलता होया भी दूसरे ने कंगा उत्ते प्रभाव पाँदा, पर की है कि उन्होंने कहा कि जे सभ्याचार दे विच एक भी अंग बदलिया जाए तो उन्हें हमेशा ही दूजे अंगा दे प्रभाव छड के जाना अपना किवें ना किवें। देखो किवें हुण जिवें विआह दे विच की है कि पहला काफ़ी जिहड़ा अपना दिन रहिंदे सीगे किन्ने जने आ के 10-10-20 दिन पहला रह जांदे सी, उह दिन घटदे गए तो बाकी अंग जिहड़े उह खत्म हुंदे गए। कि हुण जे मान लो 10 दिन रहिंदे सी, एक दिन आप गीतां दा रख लिया, 2 दिन उन्होंने किस चीज़ दा रख लिया, 3 दिन किस चीज़ दा रख लिया, जे एक दिन खत्म किया तो उन्दे विचों जिहड़े सीकुएंस गीतां दे उह कट गए जां उह विचों खत्म हो गए। उन्हें की है एक दिन खत्म होने सारे सभ्याचार दे प्रभाव पाता। उवें कह रही है कि वह मशीनी दे नाल आपां नूं जोड़ के नहीं देख सकते। नैक्सट चलते हैं आपां सभ्याचार की कार्य विधि एक प्रबंध का रूप है, जिहड़ा काम करन दी कार्य विधि है सभ्याचार दी प्रबंध का रूप है एक, जिहड़ा कि बाहरले खेतरां नूं आंतरिक विच, ठीक है, जिहड़े बाहरले खेतर है उन्हां नूं अंदरले खेतरां विच, विखड़ित नूं संगठित विच, जिहड़े विखड़े होए उन्हां नूं संगठित कर दिंदा है। नैक्सट है जालां नूं संचालकां विच, पापियां नूं पवित्र मनुखां विच रूपांतरित करदा है। इहदे विच की है सभ्याचार दे विच इह सारियां चीज़ां रूपांतरित हुंदियां, ठीक है। होर भी वाधू है पर मेन सीगियां जिहड़ियां आपां लिखियां होईयां। नैक्सट है जेकर किसी एक सभ्याचार की किसी कीमत या प्रतिमान नूं दूसरा सभ्याचार ग्रहण करता है, हुण देखो एक सभ्याचार किसी कीमत या प्रतिमान नूं दूसरा सभ्याचार ग्रहण करता है तो उस विच अपनी विशेष स्थिति ते स्वरूप अनुसार परिवर्तन करके ही ग्रहण करता है। देखो जे हुण मान लो आपां कोई चीज़ ग्रहण करनी है, जे हुण मान लो तुसीं डेली रूटीन दे विच ग्रहण करना कुछ, हुण तुहानूं मैं डेली रूटीन च ही दस दिंदा। जे मान लो तुसीं उठदे आ 9 बजे उठ रहे हैं, जे तुसीं 7 बजे उठना शुरू करना है तो थोनू की है अपनी 2 आवर्स की जिहड़ी नींद है वह खत्म करनी पैनी है। उवें इत्थे गल की गई है जे एक सभ्याचार ने दूजे सभ्याचार तो कुछ लैना तो उन्हें अपना एक विशेष चीज़ नूं उन्दे विच बदलाव करना पैना, फिर ही वह एक चीज़ तो दूसरी चीज़ ग्रहण कर सकदा। उवें जिवें हुण 9 तो जे 7 बजे उठना है तो 2 आवर्स की जिहड़ी नींद है वह खराब होगी, पर की है जिहड़ा 2 आवर्स है वो थोड़ी लाइफ दे विच थोड़े डे दे विच प्लस होणगे। पॉजिटिव पॉइंट है आप कोई चीज़ ता ही ओबजर्व करते हैं जो उनका कोई अपन पॉजिटिव पॉइंट मिले, यही कि नैगेटिव पॉइंट है तो अपन ओबजर्व कर लेंगे कदे नहीं होगा। नैक्सट है इन आप गल कर ली कि उस विच अपनी विशेष स्थिति के स्वरूप अनुसार परिवर्तन करने का ग्रहण करना पैना, क्योंकि इस विच कई होर आर्थिक समाजिक राजनीतिक भूगोलिक धार्मिक आदि पक्ष शामिल होंगे है। हर एक चीज़ के कितनियां सारियां चीज़ां नाल चलदियां है, ये ना सोचा करो कि जे थोड़ी एक लाइफ कल्यां दी आवदी है ये कदे भी ना सोचो। जे थोड़े नाल थोड़ी अपनी लाइफ चल रही है थोड़े नाल किन्ने ज़्यादा पक्ष चल रहे होंगे, जे तुसी मैरिड है थोड़े हसबेंड बच्चे थोड़ी जिहड़ी सोशल लाइफ ये सारिया चीज़ा थोड़े नाल कनैक्टेड है, जे तुसी अनमैरिड है थोड़े पेरेंट्स थोड़ी जॉब्स थोड़ी पढ़ाई ये सारिया चीज़ा थोड़े नाल कनैक्टेड है। जे तुसी सिर्फ अपने डेली 2 आवर्स भी चेंज करोगे एक किसी तो ग्रहण करोगे कोई चीज़ तो यह सारिया चीज़ा कितने ना कि प्रभावित होनगियाँ, ठीक है। हुण मैं थोड़ा एग्जाम्पल भी दे दिना, जे मान लो तुसी जे अनमैरिड हो 2 आवर्स जल्दी उठन लग गए, ठीक है, जेडे सब तो पहले पेरेंट्स के की बदलाव आएगा कि थोड़े मनु थोड़े वास्ते कोई जिहड़ियां चीज़ें लेट करते उन्हां नूं जल्दी करना पैना, ठीक है। थोड़ी पढ़ाई दे विच की बदलाव आएगा, उन्हूं 2 आवर्स प्लस मिलन लग जाने, जे तुसी 1 घंटा भी करना उन्हूं 1 आवर प्लस नूं मिलन लग जूगा। थोड़ी जिहड़ी पढ़ाई है जे कम है तुसी कम कर रहे हो तो थोड़े कम नूं भी ज़्यादा टाइम मिलेगा। देखो एक चीज़ दे नाल कितना सारा कुछ बदल गया ना, उवें सभ्याचार दे विच है। नैक्सट चलते हैं आपां हरेक सभ्याचार विच कीमतां प्रतिमान पैटर्न इस दे समुचे प्रबंध दे विभिन्न अंग हन, समुचा प्रबंध दे पर अंग की है अलग अलग, इस चीज़ का ध्यान रखना है। जिवें आपां गल कीती सी कि है संतुलित पर यह सधारण है, ठीक है, पौष्टिक तत्व ने सारे मौजूद है पर इहनूं सधारण अवस्था विच ऐड किया जाता है कि यह नॉर्मल जी गल है सभ्याचार दे विच इह सारियां चीज़ां आउणगियां पर इह संतुलित रूप विच आउणगियां। उवें इहदे च गल कीती गई है कि अंग समुचे है पर इह की है विभिन्न अंग है जो सभ्याचार नूं इक संगठित निश्चित अते इक रूप प्रबंध वजों उसारदे है। विभिन्न होने के बावजूद भी यह निश्चित संगठित ते एक रूप वजों सभ्याचार नूं उसारदे है। ये अज का अपना पहला पॉइंट, ठीक है। तो जरूर जरूर मैं कोशिश की है
कि 100% दिता अपना कि बिल्कुल सिंपल वे नाल थोनू समझा सकां, तो मैनू कमेंट करके जरूर दस्यो कि थोनू किवें दा लग्या लैक्चर। तो एक होर चीज़ दस के जायो कि आपां हुण नैक्सट लैक्चर करिए दो तो बाद MCQ करिए कि एक तो बाद MCQ करया करिए, मैनू जरूर क्लीयर आउट करके जायो। हुण एक चीज़ थोनू भी पता है कि जे आपां एक तो बाद भी MCQ किते तां इस दे विचों तां आपां वध तों वध 5-7 MCQ बनावांगे, फिर उदू बाद मैनू फिर डिफरेंट काइंड ऑफ MCQ लियाने पैने आ। तां हुण जरूर मैनू दस के जायो कि सर दो आपां कह लो थ्योरियां करन तों बाद MCQ करिए, तीसरी MCQ दी वीडियो रख्या करिए कि एक तो बाद एक दी रख्या करिए। जरूर मैनू अपने विचार दस के जायो, जिहड़ियां ज़्यादा वोट्स होईयां आपां फिर उवें नैक्सट करांगे। कल SST दी वीडियो दे विच मिलदे आ। बहुत बहुत शुक्रिया तुहाडा अपना कीमती समय देने वास्ते। तां मैनू दस के जरूर जायो नवीं चीज़ कुछ देखण नूं मिली कि नहीं।